कल एक बहन आई, मैं हैरान था। शाम को करीबन वो बहन आई, ऐसे कोई कपड़े नहीं थे कि पता चल जाए, कि कपड़े से पता चल जाए, वो रीच नहीं थी, कोरोना का माहौल। और करीबन रोज रोज ऐसे दो तीन लोग यदि परमिशन देता तो मिलने के लिए आते, नहीं तो बाहर रिक्शा में आकर के चिट्ठी देके निकल जाते कि ऐसा प्रॉब्लम है। माने प्रॉब्लम 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 को छोड़ के कोरोना के माहौल में कोई नहीं है। ऐसे ही कल एक बहन आए, आपके कपड़े को देखकर लगा कुछ रिक्वायरमेंट होगी आपकी, और किसी साधर्मी को ना बोलने का प्रश्न आया ही नहीं है। मगर जब हैरान तो तब था कि बहन ने दो मिनट खड़ी रही, और खड़ी रहने के बाद अपने पास एक बटुआ था, उसमें से हाथ डाल के सोने की कंगन निकाली। एक माना साहब, कोई बड़ी स्थिति मेरी नहीं है, मगर आपके प्रवचन सुनती हूँ, लाखों का डोनेशन देने की तो औकात भी मेरी नहीं है, मगर मुझे लगा मुझे भी कुछ 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 करनी चाहिए चैरिटी, और उनको लेकर के गुरुदेव आपके पास आई हूँ। ना मत बोला, मैंने खुद ने बोला, बहन होता रहता है काम, किसी साधर्मिक को मैं ना नहीं बोलता हूँ, अच्छी व्यवस्था बन चुकी है, और एक साधर्मिक को आंसू पोछे जाते। महाराज साहब, मैं कहाँ ये कहती हूँ कि कोई साधर्मिक का काम नहीं होगा, और मैं ये भी तो नहीं मानती हूँ मेरे कंगन से कुछ काम हो जाएगा, मगर मेरा भी तो कुछ सहयोग चाहिए। महाराज साहब, प्लीज आप ना मत बोलना। एक कंगन देकर के बहन गई, ये कौशिक बाजू में खड़ा था, शब्द नहीं थे मेरे पास एक्सप्रेशन करने के कि क्या 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 रुचि थी। आप देखो रुचि, 1 लाख 10 लाख का कोई डोनेशन था, रुचि थी। गुरुदेव ना मत बोलना, ये ले ही लेना पड़ेगा आपको। और सबसे बड़ा चमत्कार तो तब हुआ, 2 ही मिनट में बहन वापिस आई। बाहर जाने के बाद वापिस आई, तब मुझे लगा कि बहन दोबारा वापिस क्यों आई। तब उसने कहा, महाराज साहब, बाहर निकलते निकलते मन में हो गया, एक ही कंगन दिया, दूसरा क्यों नहीं दिया, महाराज साहब दूसरा ले लो। तार तार तुम्हें रोने का मन होना चाहिए कि ये ताकत लेकर के एक बहन बेटी, दान नहीं था ये, रुचि थी, दान रुचि। और हमारे वहां मनुष्य जन्म पाने के लिए जो तीन गुण बताए आचार्य भगवान हरिभद्र सुमन ने, उसमें एक शब्द लिखा है, आपका अगला जन्म मनुष्य का कब मिलेगा, या तो ये मनुष्य का जन्म मिला उसके पीछे बैकग्राउंड में क्या था। हरिभद्र सुमन ने 3 शब्द लिखे, जिसके पूर्व जन्म में मध्यम गुण हो, अल्प कषाय हो, और दान रुचि हो। दान नहीं, दान रुचि। रुचि दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन चैरिटी। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, तुमने क्या किया, कितना दिया, दे पाए कि नहीं दे पाए फर्क नहीं है, मगर आपकी दान रुचि है 100%, अगले जन्म में आपका मनुष्य जन्म पक्का। एक बहन एक कंगन देकर के दूसरा कंगन देके तो चली गई, वो ठीक थी, मगर फिर उसने क्लैरिफिकेशन कर दिया, माना साहब कोरोना के माहौल में हर साधर्मी का काम हो जाए, और कोरोना जब तक नहीं निकलेगा तब तक आने वाले दिनों में मेरे पास पैसे आ भी जाएंगे तो भी शरीर पे कोई भी सोना का गहना नहीं पहनूंगी। इतना बोल के बहन रो पड़े। और एक दूसरी बहन आई थी, डायमंड, सच्चे डायमंड की अंगूठी निकाल के दे दी। गुरुदेव कोई मैं जानता हूं, वो बहन की आर्थिक संपन्नता कितनी वो मैं दिल से जानता हूं। मैंने कहा कि बहन जरूर नहीं है, नहीं नहीं गुरुदेव, क्या औरतों को दे नहीं पाती हूं। और तो कल एक ही दिन में 2 प्रसंग देखे, 15-15 मिनट के गैप में 2 प्रसंग देखे। शाम को मैंने हर साधु को कहा, क्या भगवान का शासन है, क्या ताकत है, अमीर और गरीब के बीच में कोई फर्क दान का अमाउंट का हो सकता है, रुचि का कोई फर्क नहीं था। एक बार आप ऑब्जर्वेशन करना आपकी रुचि क्या। और मैंने पहले भी बताया, आज भी बताऊं, सिद्ध चक्र भुजन में सम्यक दर्शन पद की डेफिनेशन बताई, तत्व रुचि रूपाय सम्यक दर्शन आय स्वाहा। तत्व की रुचि वही सम्यक दर्शन है। माने आप एक बार चेक करना,